Invite someone new. I think Asad Rashid. One second. Yes, Asad Rashid, now you may speak. असद, आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर होप सो आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी मेरी। यस यस यस। जी सर। सर कल बेसिकली हम लोगों ने as.google.com से हम लोगों ने एज अकाउंट से हम लोगों ने देन हम लोगों ने उसमें ये देखा कि उसका जो फर्स्ट फीचर है, फर्स्ट उसकी स्लाइड है, उसमें एक बेसिक ओवरव्यू है। हमें उसको छोड़ के एक्सपर्ट की तरफ जाना है, वहां से जाके सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, दैट्स इट। मुझे अकाउंट की डिटेल राइट। बताने की जरूरत नहीं है आई थिंक। कुछ एक्सटेंड करना चाहें, यू कैन ऐड फॉर पीपल जी टू जी जी रिकॉल जी जी दोस। जी जी सर। एक्सटेंड इन सेंस के जैसे ही आप लोग आएंगे, आप लोगों के पास एक 12 एंटिटीज का एक ब्लॉग, एक पेज ओपन होगा। उसके सबसे नीचे जो है एक वैल्यू लिखी होगी, क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, आप उस पर क्लिक करेंगे। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, आप उन्हें फॉलो करेंगे। जैसा कि आप लोगों का पेमेंट ऑप्शन है, आप लोगों का एरिया है, जैसे पाकिस्तान हो गया या कोई और कंट्री होगी। देन आप लोगों को वहां पे एक मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे विद द टाइम स्लॉट के साथ। आप उन टाइम स्लॉट के साथ खेल सकते हैं इजीली। आपको एज पर द क्लाइंट वैल्यू आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम स्केड्यूल सेलेक्ट करना है। दैट्स ओके, इट्स प्रीटी मच। देन आप लोग आगे आते हैं। आगे आके अपना जो सबसे अहम फीचर है इसमें वो ये है कि आप जब आते हैं तो आपको इसमें एक चीज सेलेक्ट करनी पड़ती है। वो चीज है कि आप लोगों को फेसबुक जो है परफॉर्मेंस और वैल्यूज जो है, जो फेसबुक खुद से जिस तरह से सजेशंस आती हैं उस तरह से आपको प्रमोट करता है। यू मस्ट चेक दैट पॉइंट। ठीक है। और सर ने कुछ वैल्यूज आप लोगों को बताई थी पेमेंट से रिलेटेड, और जब आप काम करें तो जरा हम्बल होके काम कीजिएगा क्योंकि लास्ट टाइम मैंने भी मिस्टेक कर दी है व्हाट सो एवर। देन हम लोगों ने ये प्रोसीजर मुकम्मल किया। फिर आपने हमें बताया कि कैलेंडर किस तरह से डिजाइन करते हैं। अगर आपके पास क्लाइंट ज्यादा हो जाए, आप लोगों को डिफरेंट एरिया से क्लाइंट आए हैं, देन आप कैलेंडर.com से आप आते हैं, आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, वहां से आके आप मीटिंग स्केड्यूल करते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको आपको अपने टाइम के मुताबिक टाइम नजर आता है, आपकी क्लाइंट को आपके टाइम के अकॉर्डिंग उसका अपना टाइम नजर आता है। तो इट कैन इजीली बी मर्ज्ड। ठीक है। देन आप लोग आगे आते हैं और आपने एक मुझे आप लोगों ने हमें एक वो बताई थी, वेबसाइट वो बताया था, टूल बताया था, आई सर्च फॉर्म। इसके थ्रू आप लोग सिंपली कुछ वैल्यूज इसमें एंटर करते हैं। वैल्यूज इन अ सेंस आप लोग इसमें कंट्री सेलेक्ट करते हैं, सिटी सेलेक्ट करते हैं और पर्टिकुलरली यहाँ पे कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं। कीवर्ड सेलेक्ट करने के बाद जितना ये टूल सिंपल है उतनी इसकी वैल्यूज जो है जो ये प्रमोट करता है कम्प्लेक्स, उतना अच्छा ये रिजल्ट प्रोवाइड करता है। देन हम लोगों ने इसमें देखा, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ हेडिंग होता है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, अप टू जितनी मर्जी 3 से 4 हेडिंग हो सकती हैं। ये हेडिंग्स आपको शो इस तरह से नजर इस तरह से शो होती हैं। अगर आपके पास एक बड़ी स्क्रीन है तो आपको 3 से 4 हेडिंग्स भी शो हो सकती हैं। एज पर द डिस्क्रिप्शन, हेडिंग में 30 कैरेक्टर्स आते हैं और डिस्क्रिप्शन में 30 × 3 90 कैरेक्टर आते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ हेडिंग्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन शोन टू द पर्सन हु जो हमारी वेबसाइट को या हमारी एड को गूगल पर देख रहा होता है। ठीक है। इसमें आप लोगों को कीवर्ड सेलेक्ट करना पड़ता है। कीवर्ड सिलेक्शन जो है वन ऑफ द बेसिक एंड द मेजर टास्क। अगर आप लोगों को नहीं आती डू हायर अ पर्सन, अपनी प्रोफाइल खराब मत करें, दीज आर योर वर्ड्स। देन जब आप कैरी ऑन। देन जब आप देख लेते हैं कि आपको कीवर्ड सिलेक्शन के लिए वैसे तो कुछ टूल्स भी हैं जो आपको एक वैल्यू प्रमोट करते हैं, आपको एक अच्छा एंथुसियाज्म बिल्ड करने में, आपको एक जैसे कि copy.ai है। ठीक है। और कैरी ऑन। copy.ai ओके। है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी टाइप है, प्लूमा है,
ये कुछ टूल्स हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं आप लोगों को कीवर्ड सिलेक्शन में, कीवर्ड बिल्डिंग में, वोकैबुलरी बिल्डिंग में, ताकि आप एक चीज को ग्रेस कर सकें, आप उस वैल्यू को प्रमोट कर सकें जो वैल्यू आपसे क्लाइंट चाह रहा है। हाँ, ये जब आप लिख लेते हैं देन क्लाइंट आप ये सोचते हैं कि आपने ये काम कर लिया, ठीक है, और इन हाउ सम हाउ ऐसा होता है कि आपने ये काम उस लेवल का नहीं किया होता जिस लेवल का क्लाइंट डिमांड कर रहा होता है। अब ये जो एड आपने डिजाइन की है ये क्लाइंट का कोई रिलेटिव या दोस्त देखेगा, तो इस केस में आपकी प्रोफाइल का खराब होना हतुल इम्कान जरूरी हो गया है, क्योंकि आपने जो वैल्यू क्लाइंट ने कही थी वो आपने प्रमोट नहीं की है, और इसकी वजह से आप लोगों के दरमियान कोई भी एक डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है सर। देन इसके अलावा आपने, दीज आर द थिंग्स दैट कंक्लूडेड यस्टरडे, आई होप कि मैंने Awesome, very कंप्लीट well done, किया। Rashid. थैंक I यू said सर, very well done. थैंक यू सर। Yes, very well done. I think I forgot to unmute. Very well done, Asad. And it's great to see that new faces participate as well, besides other old faces too. Old faces ka matlab jo regularly participate karte. So meri koshish bhi yahi hoti hai ki naye faces ko rozana पार्टिसिपेट, जब भी क्लास में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले तो द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू न्यू फेसेस। अच्छा, मुझे ये चीज आप थोड़ा सा बताएं, आप गूगल एड्स या मेरी ट्रेनिंग किस लिए अटेंड कर रहे हैं? आर यू गाइज अटेंडिंग इट टू लर्न एंड प्रोवाइड सर्विसेज इन द मार्केट, or you are attending it to make your YouTube channels and sell training courses? ठीक, इसको अपने लिए कर रहे हैं या मुझसे सीख के आप अपने YouTube channels पे ये चीजें अपलोड करनी है सेम, और आपने ट्रेनिंग कोर्सेज बना के बेचने हैं? राइट, क्योंकि इस क्लास में अभी कल मैंने एक अच्छा जो ये हरकत कर रहा है वो भी ये कमेंट कर रहा है कि सर आपकी जस्ट हम तो मार्केट में सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। एंड अमेजिंग, जिसकी वजह से मैं सुबह उठा, मैंने जब देखा तो सो अच्छा यार ये कल ही अभी हमें लेक्चर दिया है, एंड जिसको मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझ आ गई, मैं उसका नाम लूं क्लास में, आई डोंट माइंड टेकिंग नेम, कि आपने कल अपने YouTube चैनल पे शायद आई टेक योर नेम, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दें यहां पे, सर प्लीज डोंट टेक माई नेम। वैसे कोई बुरी चीज तो नहीं है जो आपने किया है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। एंड द कल्प्रिट इज गर्ल एंड हर नेम इज अक्सा मुबीन। कल्प्रिट नहीं कहना चाहिए, आई शुडंट से कल्प्रिट, बट राइट, मैंने नाम क्यों लिया है? शी इज इन डूइंग समथिंग लाइक क्रिमिनली रॉन्ग,
यू गेटिंग द पॉइंट. बट यहाँ पे थोड़ा सा एक माइंडसेट मैं करेक्ट करना चाहता हूँ. ऐसा नहीं उन्होंने किया कि पूरा लेक्चर उठाया और डाल दिया, बट शी आई मीन स्टार्टेड डूइंग वन थिंग. और अभी इसको करेक्ट कर लेना बहुत जरूरी है. वो इस वजह से कि देखें ये सीखें और मार्केट में सर्विस लेके जाएं एंड अर्न फ्रॉम दैट. इस स्किल को अभी गवर्नमेंट लेवल पे कोई भी नहीं करवा रहा, राइट? और इसमें कोशिश ये है कि हम क्वालिटी पीपल प्रोड्यूस करें जो कि डायरेक्ट सर्विसेज दे रहे हों. चैनल बनाने में क्या लगेगा, मतलब मैं यही लेक्चर वहां पे डाल दूं तो चैनल बन जाएगा, सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, मैक्सिमम दैट्स इट, एड्स इनकम आई वुड स्टार्ट जनरेटिंग. लेकिन ये बहुत ही छोटी अप्रोच है. गूगल एड्स, मैं आपको इसके कल के स्टैट्स गूगल एड्स के दिखाता हूँ. वन गिव मी अ सेकंड. गूगल ने कल ही अपने एनुअल रेवेन्यूज शेयर किए हैं. ये देखिए आप 2 फेब की ये न्यूज है. और गूगल के एड से ईयर बाय ईयर उन्होंने, यानी गूगल एडों से ही उन्होंने 2021 में कितना अर्न किया है, $21 बिलियन, राइट? और इससे एक साल पहले 2020 में $45 बिलियन था, राइट? 61 बिलियन डॉलर्स. हम एज अ एंटायर कंट्री हम $1 बिलियन अर्न वो लेने के लिए वी आर आई मीन गोइंग गागा फॉर IMF. 1 बिलियन के लिए 61 बिलियन अकेली कंपनी ने अर्न किया है एक साल में. गूगल ने फेसबुक ने $50 बिलियन एडों से कमाया है. तो ये इतना सच अ ह्यूज थिंग जो कि आप कर सकते हैं. और क्या कर रहे हैं जी, इधर से सीखेंगे यूट्यूब पे वीडियोस डाले जाएंगे, इधर से सीखेंगे यूट्यूब पे वीडियोस डाले जाएंगे. क्या होगा जी, बस जी हमें यूट्यूब का ट्रेंड है तो हम यूट्यूब पे और काम करें. लोग एंटरटेनिंग कंटेंट की तरफ ज्यादा जाते हैं. एवरी टॉम डिक एंड हैरी वुड सब्सक्राइब टू योर चैनल. You getting the point? तो उसकी तरफ जाएं, उस niche पे बनाएं, get a lot of subscribers, build a revenue stream. लेकिन ऐसा ना करें कि यहाँ पे lecture देखा और and then created a video on that और channel पे upload कर दिया. It's morally wrong. वो तो है ही है. But this is something के it's totally up to you. और मैं आपकी mindset develop करना चाहता हूँ, ना कि आपको मैं डाउन फील करवाऊं कि ओहो ये तो बहुत खराब बच्चा है, इसको ये कर दो वो कर दो. मैं माइंडसेट डेवलपमेंट की तरफ थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूं. उस पे ये है कि इसको खुद तक रखें, लर्न दी स्किल्स, मेक मनी आउट ऑफ इट. यूट्यूब चैनल जो बनाना है जो यूट्यूब चैनल बनाना है वो एंटरटेनिंग, या अगर आई मीन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूं. बट आई होप ऐसा अब नहीं होगा कि यहाँ पे आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ या आज जो करवाऊंगा उस पर कल आप फिर थोड़ा सा प्लस माइनस करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दो कि दिस इज हाउ यू गेटिंग द पॉइंट. इसको खुद तक रखें, लर्न योर सेल्फ, ठीक है? वो वाला एक होता ना कि जी आप मुझसे, मैं PhD हूँ और यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैं PhD हूँ यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, आपने MS MPhil मुझसे किया और रिसर्च वगैरह की मेरी सुपरविजन में, कंप्लीट हो गया आपका MS MPhil, आप भी PhD करो और आप भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू करो. देन अगेन वो MPhil साइकिल से हमें गुरेज करना है. MPhil साइकिल क्या होता है, आप रिसर्च कर रहे हो कि हम इंडस्ट्री को फायदा देंगे, प्रैक्टिकल फील्ड में फायदा देंगे, लेकिन इवेंचुअली सारे MPhils and PhDs किधर जा पाते, किधर चले जाते हैं, पढ़ाने की तरफ ही, राइट? बजाय इसके कि वो इंडस्ट्री और बिजनेस को फायदा दें, वो फिर पढ़ाना ही लगा रहता है. तो आई वॉन्ट टू गाइड यू इन दैट एज वेल
कि सर्विसेज के लिए और मार्केट को फायदा देने के लिए, बिजनेसेस में अपनी सर्विसेज बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए इन स्किल्स को बेचें. वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग कि आप यहाँ से सीख के आगे ट्रेनिंग कोर्सेज बेचना शुरू कर दें, कि यहाँ से सीख के अपने YouTube चैनल्स पे द सेम कंटेंट आप रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दें. गेटिंग द पॉइंट, ये आपकी माइंडसेट डेवलपमेंट वाली चीज है, वरना रोक तो आपको कोई भी नहीं सकता ना. आप अभी नहीं करेंगे, मे बी आफ्टर 3 months कर लें, राइट? आई मीन आप माशाल्लाह ड्रैगन्स हैं इस फील्ड के. अक्सर इज नॉट अ डिसऑनेस्ट, और आई एम नॉट मैं इसलिए कह रहा हूं कि आई एम नॉट ब्लेमिंग द पर्सन, आई एम जस्ट, मैं इसी टॉपिक को इस्तेमाल करके इसी एक इवेंट को लेके माइंडसेट डेवलपमेंट की तरफ की बात कर रहा हूं. अक्सा नहीं करेगी, कोई और कर लेगा, कोई और नहीं करेगा तो सम थर्ड पर्सन वुड डू दैट. राइट, पहले वो जहन से, वो जिस वजह से ये एक चीज ट्रिगर होती है, उस चीज को एड्रेस कर रहा हूं मैं. आई एम नॉट एड्रेसिंग द पर्सन्स एक्टिविटी, बट आई एम एड्रेसिंग द माइंडसेट, जिस वजह से ये चीज जहन में आती है ना. अक्सर इज अ वेरी गुड ट्रेनिंग, शी इज डूइंग हर वर्क रेगुलरली, वेरी एक्टिव एज वेल. तो वो मैंने एज एन एग्जाम्पल लिया है विच इज करेक्ट, एंड आपकी माइंडसेट डेवलप, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के जहन में भी ये चीज आती है यार, व्हाई नॉट यूट्यूब चैनल बनाते हैं, नई चीज पता चल गई है, आप यूट्यूब चैनल वहां पे जाके, तो उससे थोड़ा सा गुरेज करें. ऑल ऑफ यू, अपनी सर्विसेज मैं आपको सिखा रहा हूँ विद ऑल माई हार्ट एंड ब्लड, कि आप ये मार्केट में जाके सेल करें सर्विस को, वहां से अर्न करें and change your life, rather than कि आप यहाँ से एक लफ्ज सुनते हैं और अपने YouTube चैनल पे डालना शुरू कर दें. यहाँ से complete हुआ तो वो 5,000-5,000 10,000-10,000 में आप courses अपने बना के sell करना शुरू कर दें. Don't do that thing. Courses जो अभी sell कर रहे हैं, somehow उनकी reputation का आपको पता है. जब आप जैसे ही लोग comment में बोल रहे थे सर वो तो बस बेच रहे हैं, लूट रहे हैं, this and that, उनकी reputation बहुत अच्छी नहीं है. यू गेटिंग द पॉइंट? सो आप फोकस करें. पाकिस्तान में किसी से 15,000-20,000 रुपए लेके अगर आपने उसको कोई लाख 2 लाख अर्न ना करवाया तो उसकी बदवाई लेंगे आप यहाँ पे. आई मीन दिस इज द ट्रेंड. तो इससे बेहतर है भाई आप बाहर के एक क्लाइंट डेटा एंट्री का भी ले लें, आपको वो हर महीने 1,00,000-1.5 लाख, 2 लाख दे देता है अगर ढंग का डेटा एंट्री का भी क्लाइंट मिले. सो और हमने देखा था गूगल एड्स का अकाउंट कैसे बनाते हैं, एंड आई होप सबके एड अकाउंट बन गए होंगे. रेज योर हैंड जिस जिसका एड अकाउंट बन गया है, रेज योर हैंड जिस जिसका एड अकाउंट फेसबुक गूगल पे बन गया है. And I am not against the people. Comment में मैं कुछ नाम देख रहा हूँ. You are mentioning some other guys as well. I am not against them at all. अगर वो society को help कर रहे हैं, अल्लाह उनकी risk में और बरकत डाले, right? और जो नहीं कर रहे, अल्लाह उनको हिदायत दे, right? जो trainees को bluff कर रहे हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे. But आप में भी कुछ वो होनी चाहिए ना, माइंडसेट डेवलपमेंट ही तो सारी गेम है. एड्स के पैसों से अर्निंग का जब चस्का लग जाता है ना, बंदा फिर वहां से निकल नहीं पाता. आई हैव बीन अ ब्लॉगर फॉर अ डेकेड, जहां पे पैसे ही बस एडसेंस के अर्न करते रहे और कुछ करने का दिल भी नहीं करता था, कि अब बस कर तो रहे हैं ना, इसी पे ही फोकस करें, ये करके आर्टिकल्स ऊपर लाएं, इतने लोग आएंगे, इतना सीपीसी है, इतने पैसे अर्न करेंगे. यू सी आई हैव स्पेंड माय डेकेड ऑन दैट ब्लॉगिंग स्टफ. एड्स अर्निंग, एड्स इनकम जो है समहाउ ये आपको बहुत लेजी भी बना देती है. आपका सारा ध्यान इस पे, ज्यादा ट्रैफिक लेके आनी है और
वैल्यू ड्रिवन आपकी अप्रोच होती नहीं है कि मैं कुछ वैल्यूएबल चीज बनाऊं जिससे एड अर्निंग कम भी आ रही हो लेकिन वो वैल्यू ड्रिवन हो, आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाता, दैट वेस्ट्स योर यूट्यूब. तो अभी शुरू हुआ है ना 2014-15 के बाद मोनेटाइजेशन, उससे पहले ब्लॉगिंग ही थी. आई हैव बीन डूइंग ब्लॉगिंग फॉर लाइक मेनी इयर्स. लेट मी शो यू फर्स्ट वेबसाइट दैट आई डेवलप्ड. एक वे बैक मशीन होती है, होल्ड ऑन लेट मी ओपन दैट. Let me open that. Zohabs.sitesled.com. This is one of the URLs that I remember. And if you roll back to 2007, aap iska kahin pe koi screenshot. Yeah, like a 16-17 years old guy making his website. Tab yehi haal hota tha. Welcome to Zohab's website, the most viewed and complete website on almost everything. Right? Yeh hamara confidence level hota tha. So, I mean, I used to. और ये सारी इसमें डिजाइन की गई थी प्लेन HTML में, कंप्लीट HTML था, राइट. एंड आई हैड लर्न दैट HTML लैंग्वेज बैक देन एज वेल इन 2000. ये इसका स्क्रीनशॉट इससे पुराने वे बैक में भी मशीन में लगे हैं. व्हाट आई वाज टू से, सारे स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे इस वे बैक मशीन में नहीं है, या इसने शुरू 2007 से किया. बट दैट वेबसाइट एंड सम अदर साइट्स एज वेल दैट हैज बीन अप फॉर 2006 से आई हैड माय वेबसाइट्स अप. और उस पे एडसेंस इनेबल्ड सारी वेबसाइट्स थी 2006 में. एंड वी वर लाइक आई मीन हैड स्टार्टेड मेकिंग मनी आउट ऑफ एडसेंस बैक देन एज वेल. And tab bhi ek it was this website and there was another website too. Many of them I sold later on. Many of them were on different niche. अच्छा, हमारी डोमेन जब चाइना वालों ने खरीद ली है. लेट मी इन्होंने स्क्रीनशॉट ना सबसे पुराने भी नहीं इनके पास, इनके पास हैं पुराने सालों के जो इन्होंने स्टोर किए थे. बट लेट मी फाइंड, राइट ऑन म्यूजिक, कंप्लीट वेबसाइट ऑन म्यूजिक. एंड ये था लिंक एक्सचेंज. एसईओ में मैं इसके एग्जांपल देता हूँ. तब एसईओ एसईओ का किसी को कुछ पता नहीं होता था. एंड हम क्या करते थे बैक देन, वॉलपेपर्स वगैरह पे ही जो क्या उसको बोलते हैं लिंक एक्सचेंज में दूसरे हमसे कांटेक्ट करते थे, भाई अब हमारा लिंक अपनी वेबसाइट पे डाल दो, हम इन रिटर्न आपका लिंक अपनी वेबसाइट में डाल देंगे. तो उसको लिंक एक्सचेंज बैक देन कहते थे. सो दिस वाज लाइक व्हाट वी
used to back then 16-17 साल का बच्चा जो करता होगा to test out things, music, wallpapers. We used to do that. And one site is still missing. And we used to advertise others' website as well, direct contact कर लेते थे वो जिस तरह excitement में सबकी offers ले ली अच्छा अच्छा ठीक है and अभी जाके when you develop a bit on moral grounds आपको लगता है नहीं यार songs पे नहीं बनानी चाहिए थी site हमारा तो वो content है नहीं नहीं यार इस तरह के content पे हमें ad नहीं चलाने चाहिए थे it doesn't look nice तो I mean back then we used to test and try और वो सारी चीजें वो सारा करके गलतियां करके the reason I mean we have developed on a mature level और जिसकी वजह से guide करते हैं कि भाई ये ना करो इससे earn करोगे लेकिन अच्छा ये इसके आ नहीं रहे way back both domains have expired I had sold them back in 2000 मेरे ख्याल में 9 में ही I kept on like flipping sites and stuff. But बताने का मकसद ये है कि ad इन जो है वो आपको lazy बना देती है on so many grounds. ठीक है and I have like lived on ad income for many years. Started back in 2007. 7 से earning आना जो शुरू हुई थी online. सीखना तो I was 14 and a half years old. I would show you those two, but that would take time. 2004-5 के भी जब sites मेरी यहाँ पे वो screenshots पड़े हुए हैं उसके. But the point of telling you is के ये जो YouTube और इसकी तरफ जा रहे हैं, उधर जाना उधर entertaining content आपको अच्छा pay off करेगा. But इसको market में as a sell करेंगे as a service, तो you guys could make money more. You would be able to make more money. Kinza का question बड़ा I don't know if this is the right question. Sir, आपने कभी एक महीने में 1 crore earn किया है? nice question. ये मनहूस वाला तो अभी कल का है व्लॉग manhoos.com जो है आई हैव दैट टू ये आई स्टार्टेड बैक इन 2000 दिस काइंड ऑफ लाइक व्लॉग आई स्टार्टेड बैक इन 2014 मे बी दिस वन और 2016 के बाद मैंने इसको अपडेट ही नहीं किया 2016 के बाद ये ब्लॉग I had a little staff who was working on that उसके बाद I left that I mean blog on its own 2000 डेट्स ही पोस्ट की चेंज की हुई हैं सो की हुई हैं बट 2016 के बाद इस पे कंटेंट कभी भी नहीं डाला गया यानी कि कब से लेके कब के बाद 2016 अभी 2022 है now और कितने साल बनते हैं इट्स बीन 8 years 8 साल हो गए यहाँ पे कोई भी चीज अपलोड नहीं की गई और अभी भी अगर आप इसके देखें एवरी वीक कुछ 1500 इस पे विजिटर आता है आई डोंट नो ऑल द कंटेंट इज इररिलेवेंट टू नाउ लास्ट 28 days में कितने 6000 इस पे यूजर्स आए हैं 6000 ब्लॉग 8 साल से अपडेट नहीं किया गया और सारे बेस्ट कोट्स और इन टॉपिक्स पे जो भी लिखा गया उस पे अभी भी यूजर्स आते हैं एंड इफ आई वुड शो यू द एक्विजिशन भी इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही है आई थिंक 80-90% जो है सो अगर आप ढंग का कंटेंट लिखते हैं फॉर एवर ग्रीन टाइप का तो आपके पास 81% जो है कहाँ कहाँ से आते हैं गूगल से भी आते हैं फेसबुक में अभी भी लोग शेयर करते हैं विकिपीडिया में भी
मेरे आर्टिकल के रेफरेंसेस होंगे इस ब्लॉग के, पिंटरेस्ट एंड फेसबुक वगैरह। सो कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग में जब हम बात करते हैं उसमें, तो आई डू प्रीटी सॉलिड एग्जांपल्स के कैसे आप इस तरह के टॉपिक्स सेलेक्ट करते हैं और कैसे आप इस तरह के कंटेंट, एवरग्रीन कंटेंट लिखने की कोशिश आपको करनी चाहिए कि वो साला साल चले। जैसे ये 8 साल से अपडेट नहीं किया ब्लॉग, बट स्टिल एडसेंस इनेबल्ड है एंड समथिंग कीप्स ऑन कमिंग। सो द प्लान इज के मे बी इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर और फॉर फ्यूचर आई वुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट अगेन विद द हेल्प ऑफ अ टीम, बट फॉर नाउ अभी तो बेचारा डेडी पड़ा हुआ। तो अगर आप में से कोई क्रिएटिव कंटेंट समझते हैं ना, जैसे ये करते हैं मैंगो बाज वाले, पढ़ लो वाले, इस तरह का जो इंगेजिंग यूथफुल कंटेंट होता है उस तरीके से, मैंने कहता, जब मैं ये कहता हूँ मुझे इंगेजिंग और क्रिएटिव कंटेंट चाहिए, वो मेरे पास कंटेंट राइटर आ जाते हैं सारे, जो बस जी ज्यादा से ज्यादा ऐसे और असाइनमेंट बनाने वाला उनका तजुर्बा होता है, फुल क्रिएटिव और यूथफुल कंटेंट बनाने के उनपे वो ग्रिप नहीं होती। सब एक करोड़ वाले सवाल का जवाब मांग रहे हैं। नहीं, यू गाइस कुड इमेजिन आई हैवंट अर्न 1 crore पर मंथ, बट दैट इज टारगेट इंशाल्लाह इन पॉसिबली दिस ईयर और मे बी इन कमिंग ईयर्स, क्योंकि यहाँ तक आप सिस्टम तक पहुंचते हैं, सिस्टम के थ्रू पहुंचते हैं व्हेन यू हैव ए प्रॉपर टीम, फिर तो कोई मुश्किल नहीं है ना। दो हाथों से आप, विद ऑल दैट ऑनेस्टी, दो हाथों से आप एक हद तक ही ग्रो करते हो, एंड देन नहीं इतना भी फातिमा में, इतना भी अभी हम कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह। तुक्का लगा रहे, मेरी अर्निंग से मेरे उसके पीछे पड़ गए हैं माशाल्लाह। आज का लेक्चर रहने देते हैं और आज इस पे हम फोकस करते हैं अर्निंग पे। मैंने आपको, अगर आपको पहले वाले लेक्चर्स याद हों, मैंने आपको अपवर्क की अर्निंग तो आपके सामने दिखा दी थी। Do you guys remember? That was for last year, that was about, yes, 80 के plus minus में थी। Anyhow, let's begin with Google Ads, yes. So here we are, we go to sign in, हमने जो अकाउंट क्रिएट किया था, एंड लेट मी, इसी अकाउंट में आना था, आई क्लिक्ड, ईरोजगार की वेबसाइट को क्या हुआ, कोशिश ये ओपन करें, आपके पास खुल रही ईरोजगार की वेबसाइट, फॉर सम रीजंस मेरी तरफ नहीं खुली। राइट, यस, मेरे ख्याल में कोई इशू होगा। सो हमने कल देखा था गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट करना, एंड अभी हम देखेंगे कैंपेन स्ट्रक्चर ऑन गूगल एड्स। अच्छा, फेसबुक का कैंपेन स्ट्रक्चर क्या था,
उसमें था कि जी आप एक कैंपेन बनाते हैं जिसमें आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं, देन उसके अंदर आप एड सेट बना सकते हैं। एड सेट में क्या करते हैं, ऑडियंस, प्लेसमेंट, बजट, ये तमाम चीजें, बिडिंग स्ट्रेटजी वगैरह आप डिफाइन कर लेते हैं। और हर एड सेट के अंदर आप मल्टीपल एड ऐड कर सकते हैं। ऐसा ही है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन आई होप नहीं होगी कि स्ट्रक्चर वहां पे फेसबुक का ये था, हम मल्टीपल एड्स बना के उसमें मल्टीपल एड सेट्स बना के उसमें मल्टीपल एड्स प्लेस कर देते हैं। सेम इज द केस विथ गूगल, यहां पे भी हम कैंपेन बनाते हैं और उसमें ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर देते हैं। कैंपेन बनाते हैं उस वहां पे ही ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर देते हैं। एड सेट बनाते हैं, एड सेट में ये काम नहीं करते, अब जो यहां पे है ना ये काम नहीं करते, वहां पे जो करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। एड सेट बनाते हैं, उसकी अपनी एड सेट की प्रॉपर्टीज सेलेक्ट कर देते हैं और हर एड सेट के अंदर एड बना देते हैं। गूगल का कैंपेन स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होता है। अब एड सेट के अंदर हम कौन कौन सी चीजें मेंशन करते हैं, एड सेट के अंदर नंबर वन डेमोग्राफिक्स, ऑडियंस, हम इन शॉर्ट कह सकते हैं ऑडियंस। ऑडियंस को किस किस बेसिस पे आप टारगेट कर सकते हैं, जैसे फेसबुक के अंदर आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते थे ना एज के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, व्हाट एल्स, कंट्री के हिसाब से। वो जो कंट्री वाला एलिमेंट है वो आपको यहाँ पे कैंपेन लेवल पे ही डालना पड़ता है। आप ऑडियंस के एड सेट के अंदर कंट्री को एडजस्ट यहाँ पे नहीं करते। व्हाट यू डू, वो कंट्री वगैरह आपको कैंपेन लेवल पे ही एडजस्ट करनी पड़ती है। सबसे जो जिसकी वजह से आपका जो बहुत सारा नॉलेज जो आप किसी का कैम ऑन है क्या, आई मीन कमेंट पे मेरा नजर गया, क्या उसको कहते हैं कैम वगैरह, लेट मी टर्न इट ऑफ फ्रॉम माय साइड इससे पहले कि कोई ऑकवर्ड। होल्ड ऑन, अभी आया नहीं, आई डोंट नो कहां पे गया। ओके ठीक है, थैंक यू फॉर कॉल। राइट, सो जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें आप बिल्कुल डिटो कॉपी नहीं करते फिर, जी फेसबुक पे तो ऐसा है, गूगल पे भी ऐसा है, गूगल पे वैसा है, लेकिन इट्स नॉट ऑल टू ऑल द सेम स्टफ। जैसे कंट्री है वो आप एड सेट में नहीं डालते, वो आपको कैंपेन लेवल पे डिफाइन करनी पड़ती है। और इस तरीके की एक दो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम जैसे ही प्रैक्टिकल करने की तरफ जाएंगे वहां पे और क्लियर हो जाएंगे। सो आप एड सेट लेवल पे क्या बताते हैं, ऑडियंस के डेमोग्राफिक्स कौन से हैं, जी किनको एड दिखाना है, जिसकी एज ये है, जो इन इन चीजों को सर्च कर रहा है, मतलब कीवर्ड्स, कीवर्ड। अब वहां पे ये कीवर्ड्स एक ऐसी चीज है जो फेसबुक पे आप टारगेट नहीं कर सकते, राइट। सो आप गूगल में टारगेट ये कर सकते हो कीवर्ड्स के बेस पे कि लोग क्या चीज आके गूगल पे सर्च करें जिससे हमारा एड उनको शो हो। तो आप कीवर्ड्स डिफाइन करते हो एड सेट लेवल पे, और बाकी सेम चीजें हैं जो आप फेसबुक में भी देखा है, एज वगैरह, प्लेसमेंट वगैरह, राइट। एंड कीवर्ड है, कीवर्ड के भी दो टाइप्स हैं यहाँ पे, एक तो जिन कीवर्ड्स पे आपका एड आए और वो वाले कीवर्ड्स जिन पे एड आपका बिल्कुल ना आए उसको हम नेगेटिव कीवर्ड्स बोलते हैं। अब ये कीवर्ड और नेगेटिव कीवर्ड्स वाला एक कॉन्सेप्ट आपके लिए नया होगा क्योंकि ये फेसबुक पे नहीं है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे सेम है। कन्वर्जन ट्रैकिंग, दिस एंड दैट, अपने एड को स्केड्यूल करना, सीपीसी वगैरह, वो तमाम चीजें
चीजों के नामों से एटलीस्ट आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं. सो लेट्स बिगिन विद वन एग्जाम्पल दैट इज, होल्ड ऑन, let me open that, give me a minute. Let's think of this as a landing page. Client आपके पास आता है, client आपको बोलता है कि या आपके पास client है, वो आपको brief करता है, जी मैं ये कारोबार करता हूँ, किचन cabinets बेचता हूँ, मुझे Google Ads चलाने हैं, तो इसके लिए I need your services. What you would be doing, आप उसके जो पहला step है, that is your keyword research. The first step is keyword research. Pehla step Google Ads ka. Client se aapki baat hogi, client aapne onboard kar liya. First cheez hai ki aap kin kin keywords pe uska ad aapko chalana chahiye. अब उसमें कौन कौन से कीवर्ड होंगे, वो उस तरह के कीवर्ड्स होने चाहिए जिससे क्लाइंट की सेल्स हो. जाहिर है प्रिटी प्रिटी स्मॉल थिंग. ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए जिससे क्लाइंट की चीज बिके. कन्वर्जन ओरिएंटेड कीवर्ड्स होने चाहिए. ज्यादा क्लाइंट्स जितने भी होंगे वो सेल्स की तरफ ही फोकस होता है, तो आपके कीवर्ड्स भी कन्वर्जन ओरिएंटेड होने चाहिए. बट समटाइम्स आप कन्वर्जन ओरिएंटेड कीवर्ड्स की बजाय इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड कीवर्ड्स की एक अलग कैंपेन बना लेते हो या एक अलग एड सेट बना लेते हो. एड सेट वन में फर्ज करो आपने कीवर्ड डाल दिए कन्वर्जन रिलेटेड, एड सेट टू में इंफॉर्मेशन रिलेटेड. राइट अब इंफॉर्मेशन रिलेटेड कीवर्ड्स क्या करते हैं, वो ट्रैफिक लेके आ रहे होते हैं. बस उनसे आपकी उम्मीद भी ये नहीं होती कि ये आपको सेल्स दिलवाएंगे. लेकिन इंफॉर्मेशन रिलेटेड कीवर्ड्स उनके लिए, ऐसे क्लाइंट्स के लिए हम यूज करेंगे जो जिनका बजट स्ट्रांग हो, जो अफोर्ड कर सकते हो एक थोड़ी सी हाई लेवल स्ट्रैटेजी. वरना सारे कन्वर्जन लेवल पे ही एड चला रहे होते हैं और कन्वर्जन लेवल पे ही क्लाइंट भी खुश रहता है. पर जब आपको पता है यार ये क्लाइंट मेरे साथ 6 महीने चलेगा, साल चलेगा, या इससे लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, या आप किसी बड़ी कंपनी में आपको गूगल एड्स की जॉब मिल गई है और वहां पे आप ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करें, तो इंफॉर्मेशन वाले कीवर्ड्स को भी आपको रखना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म गेम में आप प्रोडक्टिव रह सके. तो आपने कन्वर्जन वाले निकालने हैं कीवर्ड्स, यू गो हेयर एंड पूरे की इसका एनालिसिस आप, जैसे हमने पहले भी देखा था, आप एनालिसिस करेंगे कि क्या इसके हो सकते हैं कन्वर्जन ओरिएंटेड कीवर्ड्स. नाउ दिस इज अ टाइम टेकिंग एक्टिविटी. जब भी आपने किसी क्लाइंट के कन्वर्जन ओरिएंटेड कीवर्ड्स निकालने होते हैं, तो यू रिलाई ऑन टूल्स. गूगल का अपना एक टूल है जिसको हम कहते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर. यू गो हियर. आप में से बहुत सारों ने एसईओ के लिए इसको यूज किया होगा क्योंकि इसका रियल पर्पस नहीं है. हम कीवर्ड प्लानर पे जाते हैं. यहां पे एड अकाउंट दे हैव
As to select, इसीलिए मैंने कहा था ad account होना जरूरी है, क्योंकि ad account नहीं होगा तो आप keyword research भी नहीं कर सकते. जैसे मैंने अभी quickly select कर लिया ना, आपके पास भी keyword आपका ad account बना हुआ होगा, then you would be able to work on keyword. अच्छा जी, दो हमारे पास option है, discover new keywords, get search volume and forecasts. अगर आपके पास keywords नहीं है तो आप discover वाले option पे जाएंगे. अगर आपके पास कीवर्ड्स हैं और आप बस ये देखना चाहते हैं कि वो मंथली उनको कितना सर्च किया जाता है, तो आप दूसरे ऑप्शन में चले जाएंगे, गेट सर्च वॉल्यूम में. सो हम क्या करते हैं, पहले वाले ऑप्शन में चले गए. और अगर आप कोई उनको सीड कीवर्ड्स देना चाहते हैं, सीड कीवर्ड्स क्या होते हैं कि जो बिल्कुल बेसिक और प्राइमरी कीवर्ड्स हैं, जैसे कि आपके ख्याल में एक कीवर्ड आप सबने बताना है, कोई भी आपके जो जहन में आ रहा है. आप कैबिनेट्स बेचते हैं या आपका क्लाइंट कैबिनेट्स बेचता है, एक कीवर्ड बस बताएं जिस पे आपको लगता है कि लोग अगर ये सर्च करें गूगल पे तो हमें अपना एड दिखाना बेनिफिशियल होगा उस कीवर्ड के अगेंस्ट. वो एक कीवर्ड आपने बताना है बस कमेंट के अंदर. राइट, किचन डिकोर, किचन कैबिनेट, वुडन कैबिनेट फॉर किचन, किचन कैबिनेट्स, न्यू किचन. सी ऑल ऑफ यू हैव हिट द राइट नर्व. बिल्कुल, तो वो उस तरीके का हम यहां पे उसको बोलते हैं सीड कीवर्ड, जो बिल्कुल प्राइमरी कीवर्ड है आपका. तो हम यहां पे नंबर वन प्राइमरी कीवर्ड लिख देंगे, किचन कैबिनेट. और इतना करके भी गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, इट वुड वर्क फाइन. या अगर आप साथ अपने पेज का एड्रेस भी दे दें, पेज का यूआरएल भी दे दें, तो ये थोड़ा सा और स्पेसिफिक होके, हो सकता है आपने यहां पे जो कीवर्ड लिखा है वो बिल्कुल एक्यूरेट ना हो. हो सकता है ना, बहुत सारे हजारों किस्म के बिजनेसेस हैं जिसमें आपको इंफॉर्मेशन नहीं होगी. इनफैक्ट मुझे भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, यार ये बिजनेस है क्या, ये करते क्या, मुझे भी समझने में पहले रिसर्च करनी पड़ेगी और उसके लिए कीवर्ड्स ढूंढना इटसेल्फ एक चैलेंज है. तो अगर आपको लगता है कि यार जो मैंने कीवर्ड निकाला है पता नहीं 100% एक्यूरेट है या नहीं है, तो आप क्या करें, नीचे पेज का एड्रेस भी दे दें एंड क्लिक ऑन गेट रिजल्ट्स. नाउ यहां से चीजें सीरियस होना शुरू हो जाएंगी और गौर से आपने देखनी है. आपके पास काफी सारे रिजल्ट्स आना शुरू हो गए. नंबर वन, हमने कुछ चीजें एक्सक्लूड करनी है, गूगल ने ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड करनी है एडल्ट आइडियाज. जितने एडल्ट आइडियाज हैं, फॉर एग्जांपल पीपल डू सर्च डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड टू किचन दैट कुड फॉल इनटू एडल्ट कैटेगरी, सो वो चीजें रिमूव कर दी एंड हो गई, ऑटोमेटिकली रिमूव हो गई. उसके बाद है हमारे पास किचन कैबिनेट्स, कितना महीने में सर्च हो रहा है, 450,000 बार. 3 month एवरेज क्या है, 18% डाउन, यानी कि लोग अब इसको कम सर्च कर रहे हैं कैबिनेट, लेकिन उसके बावजूद वॉल्यूम बहुत अच्छा है. सिर्फ कैबिनेट्स कितना सर्च किया जाता है, 2,46,000 बार पर मंथली की बात हो रही है. किचन यूनिट्स 590 टाइम्स, न्यू कैबिनेट 1600 दफा, न्यू कैबिनेट न्यू किचन कैबिनेट्स 1600 मरतबा, रेडीमेड किचन कैबिनेट. सो वी हैव प्रीटी डिसेंट लिस्ट. 104 टोटल कीवर्ड्स दिए हैं उन्होंने. हम यहाँ पे लेट्स से 100 का लिस्ट सर्च यहाँ पे कर ली उसको एंड वी कुड. ठीक है, अब यहाँ पे आगे है आपके पिक एंड चूज वाला काम शुरू हो जाएगा. आप जब तसल्ली से काम कर रहे होते हैं, आप देखते हैं कि इनमें से कितने कन्वर्जन ओरिएंटेड कीवर्ड्स हैं, कितने इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं, आप उसके हिसाब से अलग अलग उसकी लिस्ट बना लेते हो. गूगल शीट बनाई, कन्वर्जनल कीवर्ड्स की अलग लिस्ट बना ली, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स की अलग लिस्ट बना ली.
फर्क क्या है कन्वर्जनल में और इन्फॉर्मेशनल में, कुछ और भी कीवर्ड के टाइप्स है, ब्रांडेड कंटेंट, ब्रांडेड कीवर्ड्स वगैरह, उस पर भी हम बात करते हैं। कन्वर्जनल वो आपके कीवर्ड्स हैं जिसमें ऐसी क्वेरीज हो जिससे ये जाहिर हो रहा हो कि ये बंदा महज इंफॉर्मेशन लेने के लिए नई चीज सर्च कर रहा है, ये परचेज करेगा। मिसाल के तौर पे एक कीवर्ड है बाय किचन कैबिनेट्स, ये कन्वर्जनल है या इंफॉर्मेशनल है? व्हाट डू यू थिंक? दिस इज कन्वर्जनल, ठीक है, इससे जाहिर हो रहा है कि ये बंदा जो सर्च कर रहा है ये खरीदने की इंटेंशन रखता है। जस्ट इंफॉर्मेशन नहीं, अगर बस ये होता फॉर एग्जाम्पल किचन कैबिनेट डिजाइन, सो इट लुक्स लाइक कि बस कोई लोग देखना चाहते हैं डिजाइन वगैरह, वी डोंट नो ये परचेज करना चाहते हैं कि नहीं, बट ज्यादा वाइब्स यही आ रही है कि ये डिजाइन जस्ट देखना चाह रहे हैं, राइट? सो ये एक फर्क होता है इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशनल में और कन्वर्जनल में, कि कन्वर्जनल से पता चल रहा होता है कि ये परचेज करना चाह रहे हैं, या जो भी ये सर्च करेगा उसकी ज्यादा इंटेंशन, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन क्या होगी, परचेज करने की होगी। और कन्वर्जन के रिलेटेड कीवर्ड्स की तादाद बहुत थोड़ी होती है, आपको एट बेस्ट भी 10 मिल जाएंगे कीवर्ड्स, 20 मिल जाएंगे, 50 मिल जाएंगे, डिपेंड करता है किस कैटेगरी में, किस प्रोडक्ट के आप एड बना रहे हो। जबकि जो इंफॉर्मेशनल है इसके आपको हजारों में मिलेंगे, 5,000, 10,000, 20,000, इतने इतने आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं जस्ट इंफॉर्मेशनल जिनकी टाइप होती है। सो हमें जो अच्छी सेल्स मिल रही होती हैं वो कन्वर्जन के रिलेटेड कीवर्ड्स से मिलती हैं। सो हे वी आर, यहां पे कीवर्ड्स सारे रेलेवेंट आ रहे हैं। क्यों रेलेवेंट आ रहे हैं? क्योंकि हमने ना के उनको एक सीड कीवर्ड दिया था, हमने साथ वेबसाइट का यूआरएल भी प्रोवाइड कर दिया था। यू गेटिंग द पॉइंट? सो यहां से आप निकालोगे लिस्ट और एक बना लोगे अपने पास, उसकी सॉर्ट ऑफ गूगल एक्सेल, गूगल शीट या एक्सेल शीट। अच्छा, नेक्स्ट चीज है कि वी डोंट नो कि क्लाइंट जिस शहर में सेल कर रहा है वहां पे कितना सर्च किया जाता है, राइट? ये जो आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं ये यूएसए के क्वेरीज हैं, नंबर ऑफ क्वेरीज हैं, नंबर ऑफ एवरेज मंथली सर्चेस हैं, कि यूएसए के अंदर कितना सर्च किया जाता है। बट व्हाट इफ क्लाइंट इज फ्रॉम कनाडा, क्लाइंट इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, राइट? उसका हम कैसे पता चलेगा? उसके लिए वी हैव अ सिंपल सॉल्यूशन हियर। कंट्री को यूनाइटेड स्टेट्स से चेंज करके आप कनाडा कर दो, यहां से सेव कर दिया एंड हमारे पास कनाडा की सर्चेस आ गए। कनाडा में कितना सर्च किया जाता है किचन कैबिनेट्स को? 40,000 दफा, 27,000 टाइम्स सर्च किया जाता है कैबिनेट्स को, एंड दिस एंड दैट, जितने भी बाकी के अब कीवर्ड्स आ रहे हैं। अब कीवर्ड्स की जाहिर है चेंज हो जाएंगी सारी चीजें ही। सो हमें पता चल गया कि हम कंट्री के हिसाब से, नाउ दिस इज समथिंग जो आप खुद से गूगल एड चला रहे होते तो ये ऑप्शंस जहन में भी नहीं आते। और जितने भी एसईओ वाले होते हैं, जो पहले उनकी मेन डोमेन एसईओ है लेकिन कूद पड़े हैं गूगल एड्स में, वो भी इन चीजों को दरगुजर कर बैठते हैं कि हमने रीजन स्पेसिफिक कीवर्ड्स देखने होते हैं, क्योंकि हमारा मकसद चीजें सेल करना है और क्लाइंट के रियल पैसे लगेंगे एड्स पे, राइट? हम फर्ज कर लो यूएसए की, लेट्स गो बैक टू यूएसए। यूएसए में पूरे में वो बिजनेस नहीं कर रहा, ठीक है, वो तो पूरे यूएसए के आ रहे थे ना, वो लेट्स से जस्ट न्यूयॉर्क में उसका कारोबार है। हम देखना चाहते हैं कि सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर
और दिस इज समथिंग जो गूगल एड प्लानर के अलावा कोई और टूल ये चीज नहीं बताता, चाहे वो पेड है. आई एम पेइंग $2,000 पर ईयर टू सेमरश, वो ये चीज नहीं बताता. तो मुझे वापस इस फ्री टूल गूगल कीवर्ड प्लानर पे आना पड़ता है, राइट. सो मैंने ये देखना है कि क्लाइंट का बिजनेस यूएसए में पूरे में नहीं है, वो जस्ट न्यूयॉर्क में है. न्यूयॉर्क में ये कीवर्ड्स कितने सर्च किए जाते हैं ताकि मैं क्लाइंट को एक प्रॉपर प्लान के साथ बता सकूं कि आप कितने पैसे खर्च करेंगे तो आपको क्या मिल सकता है. सो आई विल गो बैक हियर एंड यहां पे लोकेशन एंटर कर दूंगा, न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क आप गौर से सारी चीजें देखनी करनी आपने जब भी सेलेक्ट कर रहे हो, बिकॉज एक ही नाम के मुख्तलिफ जगहों पे भी सिटीज वगैरह होते हैं. सो हम न्यूयॉर्क सेलेक्ट किया एंड न्यूयॉर्क का आ गया हमारे पास. न्यूयॉर्क के अंदर 33,000 दफा किचन कैबिनेट्स मंथली ऑन एवरेज किया जाता है, 14,000 दफा ये सेलेक्ट किया जाता है. सो हमें आइडिया हो गया. हम प्लेटफॉर्म वाइज भी जा सकते हैं, गूगल एंड सर्च पार्टनर्स, यानी कि जहां दूसरी वेबसाइट्स भी जहां पे गूगल का ही सर्च वाला बॉक्स होता है, हम उसको भी चूज कर सकते हैं, जिससे थोड़े से आपके फर्क पड़ जाता है. राइट, यू कुड सी, अगर हम जस्ट गूगल सर्च यानी google.com सेलेक्ट करते हैं तो कैबिनेट्स को देखें, सिर्फ कैबिनेट्स वाले 14,000 है. और अगर हम सर्च पार्टनर्स को भी इंक्लूड करते हैं तो ये कीवर्ड 22,000 पे चला गया. बट आइडियली हम गूगल इटसेल्फ पे ही रहते हैं. तो हमें यहां से कीवर्ड्स निकाल लेंगे, अपनी लिस्ट में ऐड कर लेंगे. फॉर एग्जांपल कैसे हम करेंगे, आई यहां पे लेट मी ओपन ए शीट. जैसे यहां पे आप देख सकते हैं किचन कैबिनेट, ये डिफरेंट एड ग्रुप्स के लिए बनाए गए थे कि जो लोग सिर्फ किचन कैबिनेट सर्च करते हो या हम जो किचन कैबिनेट्स वालों को एड दिखाना हो उसके लिए ये कीवर्ड है उस एड ग्रुप के लिए. और दूसरी कैटेगरी कैबिनेट स्टाइल का अलग एक एड ग्रुप बनाया कैबिनेट स्टाइल्स के हवाले से, तो उसमें ये आ गया समिट कैबिनेट्स, स्टर्लिंग कैबिनेट्स, फ्रॉस्टेड ग्लास कैबिनेट्स, स्टाइल के हवाले से अलग एक बना लिया. राइट, एंड द सेम गोज रूम कैबिनेट्स के लिए अलग, डेकोरेटिव हार्ट, यानी जो जो क्लाइंट वो प्रोडक्ट बना रहा सेल कर रहा था, हमने हर प्रोडक्ट के हवाले से अलग अलग कीवर्ड्स बनाना शुरू कर दिए. एक तरीका है इसका ये. दूसरा है There's another way, जिसमें आप थोड़ी सी डिटेल, आपने क्लाइंट को वो दिखाना होता है और आप थोड़ा सा डिटेल उसमें ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्लाइंट जो कि योगा क्लासेस यूएस के एक सिटी में, वो योगा क्लासेस का प्रॉपर उनके स्टूडियोज हैं शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में. जैसे जिम होते हैं या जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, अक्सर एक ही चेन होती है लेकिन शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में उन्होंने अपने स्टोर्स बनाए होते हैं. द सेम वे शी हैज ए योगा स्टूडियो और उनका सिटी के मुख्तलिफ हिस्सों में, को डाउनटाउन बड़ा बड़ा कूल सा वर्ड है वैसे, इसका उर्दू में जैसे हम बोलते हैं ना अंदरून लाहौर, वो इंग्लिश में डाउनटाउन हो जाता है. सो प्रीटी कूल वर्ड. सो जैसे अंदरून लाहौर में जी हमारे दो योगा स्टूडियोज हो जाएं, एक बहरिया में, दो लेट्स से जौहर टाउन, स्टफ लाइक दिस. सो शी हैज योगा स्टूडियोज एट मल्टीपल लोकेशंस. तो हमने क्या किया, उसके कीवर्ड्स यहां से निकाले, गूगल कीवर्ड, उन लोकेशंस को नंबर वन, उन सिटीज को ऐड किया यहां पे,
मुख्तलिफ शहरों में अगर हैं तो आप मुख्तलिफ शहर ऐड कर देंगे, अगर एक ही शहर है आप वो शहर ऐड कर देंगे, एंड यू विल फाइंड आउट दोज कीवर्ड्स। क्लाइंट को ये भी आइडिया हमने देना होता है कि आप के जहां पे बिजनेस है आपका, वहां पे आपके बिजनेस के रिलेटेड कीवर्ड्स कितना सर्च किए जाते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल यहां पे क्लाइंट को बताया, ये जो जिस कीवर्ड को मैं बोल्ड करके लेट्स से रेड कर रहा हूं, क्लाइंट को ये बताया जी आपका जो कीवर्ड है आपके शहर में 1,000 बार सर्च किया जाता है। हाउ मेनी टाइम 1,000। यानी 1,000 लोग ऐसे हैं ऑन एवरेज आपके शहर में जो योगा स्टूडियो या योगा फिटनेस को सर्च करते हैं। तो यहाँ पे सीपीसी कॉस्ट क्या आ रही है, फर्ज कर लो ये योगा स्टूडियो का ही एड सारे कीवर्ड्स हैं और फर्स्ट वन जो है होल्ड ऑन ये आ रही है आपकी टॉप ऑफ द पेज बिड लो रेंज। यानी कि अगर आपने गूगल एड चलाना है और पहले नंबर पे शो करना है तो मिनिमम आप का $1.4 पर क्लिक खर्चा आएगा। फर्ज कर लो ये उसी का ही कीवर्ड है योगा स्टूडियो का, ठीक है। बैक पे टॉप ऑफ द रेंज क्या है कि आपका एड टॉप पे जाएगा लेकिन कम से कम इतना खर्चा आ सकता है, और हाई रेंज ज्यादा से ज्यादा आपका इतना खर्चा आ सकता है। यानी एक रेंज आपको लो रेंज एंड हाई रेंज में बता दिया टॉप पे शो करने का। एंड हम क्लाइंट को लो रेंज का भी बता देते हैं, हाई रेंज का भी बता देते हैं। सो अगर हमने लो रेंज के हिसाब से बताना है सीपीसी की कॉस्ट, तो हम क्लाइंट को क्या बताते हैं कि जी 1,000 लोग सर्च करते हैं और इसकी जो एवरेज सीपीसी कॉस्ट है वो $1.5 है, और अगर 1,000 लोग महीने में जस्ट ये कीवर्ड सर्च कर रहे हैं तो बेहतर ये है कि आपका बजट अगर आप $15,000 पर मंथ स्पेंड करें तो आप ये सारे के सारे लोग आपका ही एड देख रहे होंगे, क्योंकि आप मिनिमम सीपीसी देने को तैयार हैं और 1,000 लोग सर्च कर रहे हैं और आपका बजट अगर आपने 15,000 लगा दिया तो मैक्सिमम टाइम आपका ही एड गूगल पे चल रहा होगा आपके शहर में आपके बिजनेस के कीवर्ड के रिलेटेड। बट क्लाइंट कहता है जी मेरा तो बजट ही बस $200 पर मंथ है, मैं इससे ज्यादा, यूएस में इतना कम तो बजट खैर नहीं किसी का भी होता, बट मिनिमम $500 से वो शुरू करते हैं। सो आपको भी कोई क्लाइंट बोले कि मिनिमम मुझे कितना रखना चाहिए, सो यू कुड सेव $500। लेट्स हैव एन अजान ब्रेक क्विक एंड वी विल बिगिन। एंड किसी का क्वेश्चन था जिसका मैंने कहा था मैं एक्सप्लेन करूंगा, व्हाट वाज दैट? तलहा सर समय ये बाकी बाकी भी एड्स आएंगे लेकिन आपके पास एड्स अब ज्यादा, यानी कि आपके एड्स डिस्प्ले होने के चांसेस अब ज्यादा हैं क्योंकि आपने पैसे, आपका जो बजट है वो कम से कम इतना है कि वो सारी क्वेरीज को कवर कर सके। अगर फर्ज कर लो आपके पास है ही $200 और 8-10 दफा 20 दफा 200 दफा फर्ज कर लो 150 दफा आपका एड ओपन हुआ, पैसा खत्म हो गए, लेकिन लोग तो अभी भी सर्च कर रहे हैं ना उस हिस्से में उस रीजन में। सो क्लाइंट को फिर कहते हैं कि यू आर लूजिंग बिजनेस, राइट? यू शुड इंक्रीज योर बजट बिकॉज यू आर लूजिंग बिजनेस। देयर इज मोर अपॉर्चुनिटी, मोर पीपल, मोर नंबर ऑफ पीपल आर सर्चिंग फॉर द सेम थिंग दैट वी आर सेलिंग एंड You should increase your budget to tap more people. You getting the point? So, वरना तो वो 500 पे भी कहे ठीक है जी हमें क्या है, 500 तक ऐड चलेंगे उसके बाद बंद हो जाएंगे। बट क्लाइंट को बेहतर बिजनेस दिलवाने के लिए हम उसको कम्युनिकेट कर देते हैं कि पोटेंशियल इतना है तुम्हारे इलाके में,
फिर जाहिर है तमाम क्लाइंट्स का इतना बजट भी नहीं होता, ये तो जस्ट एक छोटा सा कीवर्ड है ना, कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जो फर्ज कर लो न्यूयॉर्क सिटी है या न्यूयॉर्क स्टेट है और वहां पे वो कीवर्ड 1,00,000 बार सर्च होता है और उसका सीपीसी जो है वो 2 है, तो क्लाइंट को आप ये तो नहीं कहोगे कि $2,00,000 आपका बजट होगा तो मैं आपके एड चलाऊंगा, राइट? वो दैट वुड बी रियली इनसेन। सो हम उसको वो नहीं कहते कि इतना ही बजट होना चाहिए, बट वेन एवर वी गेट दैट अपॉर्चुनिटी हम क्लाइंट को कन्वे करते हैं कि इतनी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, लोग इतना ज्यादा सर्च करते हैं आपके इलाके में आपके एरिया में और आप इतने ज्यादा क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रेडिक्टेबिलिटी, राइट? रेदर देन तुक्के आप यहाँ पे नहीं लगा रहे होते, तो प्रेडिक्टेबिलिटी में आप ये भी बताते हैं क्लाइंट को कि यू माइट बी लूजिंग अ लॉट ऑफ बिजनेस बाय हैविंग स्मॉल बजट। ये आपके कीवर्ड्स इस तरीके से आप इसी टूल की मदद से निकाल सकते हैं। इसके अलावा और भी टूल है, एंड दैट टूल इज SEM Rush। पेड टूल है, अच्छी खासी इसकी मंथली फी होती है, क्लाइंट्स के पास अक्सर ये नहीं होता, आपको अपना ही परचेज करना पड़ता है। सो आप यहां पे भी सर्च करते हैं कि कुछ कीवर्ड्स आपको यहां से मिल गए, प्रीटी मच दीज कीवर्ड्स आर फाइन प्रीटी मच, लेकिन जस्ट जब आपने थोड़ा सा रिसर्च को और डीपर लेवल पे करना हो तो आई सजेस्ट कि आप SEM Rush में भी जा सकते हैं। SEM Rush में फर्ज कर लो आप सेम कीवर्ड लेना है, तो लेट मी ओपन माय अदर SEM और क्लास में सीरियस होके क्लास को अटेंड किया करें। आई मीन दैट वाज नॉट अ नाइस थिंग व्हेन द कैम टर्न्ड ऑन एंड वी सी दैट यू आर जस्ट आई मीन नॉन सीरियसली यू आर जस्ट डूइंग द होम स्टफ एंड नॉट अटेंडिंग द लेक्चर, उससे आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जाया कर रहे हैं। बैठे नॉन सीरियस होके छत को देख रहे हैं, मोबाइल पे खेल रहे हैं, घर के कामों में लगे हुए हैं, वी डोंट माइंड दैट, बट दिस इज नॉट द राइट वे टू लर्न। इतना ध्यान इतना शदीद होना चाहिए कि आपको पसीने आ रहे हों, राइट? इतना आपकी अटेंशन लेवल होना चाहिए। सो कुछ कीवर्ड्स आप यहां से भी सर्च कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल किचन कैबिनेट्स, मिसाल के तौर पे आप यहां पे सर्च कर लें एंड आपके पास यू गेट अ लिटिल लॉन्गर लिस्ट हियर। यूएस में कितने 4,50,000 दफा ये किचन कैबिनेट सर्च किया जाता है, एंड हे यू कुड सी द कीवर्ड्स। यू गो टू इसने कितने कीवर्ड्स आपको दिखाए हैं, 1,58,000 1,58,000। We'll click on here. And आपके पास पूरी लिस्ट आ गई, आप वन गो में सारे डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो कीवर्ड है ये इंफॉर्मेशनल भी है, अगेन जैसे कि हमने डिस्कस किया है आपको अलग अलग करने पड़ेंगे, बट रिसेंटली इस टूल ने SEM Rush ने एक न्यू फीचर इंट्रोड्यूस करवाया जिससे आप इंटेंट के हिसाब से कीवर्ड अलग अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंटेंट पे क्लिक करता हूं, मैं कहता हूं मुझे ट्रांजेक्शनल जिसको कन्वर्जनल बोलते हैं, यहां पे कमर्शियल और ट्रांजेक्शनल दोनों में कन्वर्जन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, सो हमने कमर्शियल एंड ट्रांजेक्शनल को सेलेक्ट किया और अप्लाई कर दिया। एंड हमारे पास कहां 1,58,000 थे, अभी 6,500 कीवर्ड्स हमारे पास रह गए।
व्हाइट किचन कैबिनेट्स, किचन पेंट्री कैबिनेट्स, ब्लू किचन कैबिनेट्स, इसको भी आपने थोड़ा सा खुद से, आई मीन यू शुड नॉट बी ट्रस्टिंग टूल्स ब्लाइंडली, ठीक है, इस चीज को हमेशा जहन में रखना है, और इसी वजह से आंखें खुली रख के हम ये सारी एक्टिविटी कर रहे होते हैं. सो हमें इस टूल ने बता दिया कि ये हैं जिसपे कन्वर्जन आपको ज्यादा मिलने के चांसेस हैं, ये कमर्शियल हैं कीवर्ड्स. कमर्शियल में ज्यादा कीवर्ड्स कौन से आ जाते हैं? ब्रांडेड कीवर्ड्स. ब्रांडेड कमर्शियल कीवर्ड्स का क्या मतलब है? जहां पे लोग कंपनीज के नाम भी मेंशन कर रहे हों. मिसाल के तौर पे आइकिया किचन कैबिनेट्स. अब जो आइकिया है ये एक ब्रांड का नेम है. अब जो बंदा सर्च ही आइकिया किचन कैबिनेट कर रहा है, अब बजाहिर तो उसकी फ्रेज में किचन कैबिनेट मौजूद है, लेकिन साथ ब्रांड भी का नाम भी तो उसने अटैच किया है ना. तो जो सर्च ही आइकिया किचन ब्रांड किचन कैबिनेट्स कर रहा है वो आपसे तो नहीं लेगा. चांसेस आर कि वो ब्रांड स्पेसिफिक है, या तो आप की कंपनी इस चीज के लिए रेडी है. अब इस तरीके से बहुत बहुत दफा बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ इस तरीके से सिनेरियोस हुए हैं कि जब मैंने उनकी कैंपेन्स में कमर्शियल कीवर्ड्स ऐड किए या ब्रांडेड कीवर्ड्स ऐड किए, लोग उनको कॉल करते हैं, अच्छा जी आप आइकिया किचन से बात करें, वो कहते हैं नहीं जी सॉरी रॉन्ग नंबर, फोन बंद कर दिया. दैट वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू सेल योर प्रोडक्ट, राइट. वो सेल्स का पर्सन जो है वो ट्रेंड नहीं होता. अब उस सेल वाले को चाहिए था कि वो कहते नहीं जी हम आइकिया वाले तो नहीं है, लेकिन हमारे किचन कैबिनेट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू फॉर द कॉल, क्या हम आपको कोई अपने कुछ डिजाइन भेज दें आपके ईमेल पे, आपके व्हाट्सएप पे, या अगर आप विजिट, इस तरह करना चाहिए था, राइट. सो आपने ये चीज ऑब्जर्व करनी होती है, खुद से क्लाइंट से पूछना होता है कि क्या ब्रांडेड क्वेरीज को वो हैंडल कर सकते हैं. यूजुअली जब ब्रांडेड क्वेरीज को हैंडल करने की बात होती है तो कंपनीज को अपने फोन रिप्रेजेंटेटिव्स को अलग से ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि भाई अगर कोई बंदा किसी दूसरे चीज दूसरे ब्रांड की चीज ढूंढता हुआ आपको कॉल कर दे तो उसको कन्विंस कैसे करना है. सॉर्ट ऑफ उनको एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड की जाती है ताकि मैसेज अक्रॉस ऑल द कॉल्स सेम रहे. बट अगर ऐसा नहीं है, यू डोंट वॉन्ट टू टेक दैट पेन या क्लाइंट डोंट वॉन्ट टू टेक दैट पेन, तो आप कमर्शियल कीवर्ड्स को इंक्लूड ना करें. बट कमर्शियल कीवर्ड्स में बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है. मैंने जहां जहां पे भी जिस क्लाइंट के लिए भी ट्राई किया है बहुत अच्छा वर्क किया है, लेकिन वहां पे कन्वर्जन ज्यादा मिली है जहां पे अगले जो फोन जिन्होंने रिसीव करना होता है उनकी कुछ ट्रेनिंग भी हुई हो, राइट. सो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. आप फॉर नाउ हम ट्रांजेक्शनल पे चले जाते हैं ताकि वो ब्रांडेड निकल जाए, या इस यहां पे इसको कमर्शियल बोलते हैं, गूगल के अंदर इसको ब्रांडेड बोलते हैं. इफ यू गो हेयर, आपको बिल्कुल राइट साइड पे ये मिल रहे हैं. तो गूगल पूछ रहा है ये जो मैंने आपको जी लिस्ट दिखाई है इसके अंदर ब्रांडेड भी है नॉन ब्रांडेड भी है. हम कहते हैं जी हमें जस्ट नॉन ब्रांडेड कीवर्ड्स दिखाओ, दैट्स इट. तो हमारे पास नॉन ब्रांडेड आ गए. ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड का पता है ना आपको, ब्रांडेड जिसमें मशहूर कंपनियों के नाम भी शामिल हों उसको हम ब्रांडेड बोलते हैं. जो अगर किसी ने लिखा है बाय किचन कैबिनेट्स, ये है नॉन ब्रांडेड कीवर्ड. इफ समवन इज सर्चिंग बाय किचन कैबिनेट्स, ये कौन सा है? नॉन ब्रांडेड कीवर्ड. अगर किसी ने लिख दिया बाय आइकिया किचन कैबिनेट्स, आइकिया यूएसए का मशहूर ब्रांड है, तो अब ये कौन सा हो गया? ब्रांडेड कीवर्ड, या एससीएम रश की लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? कमर्शियल कीवर्ड. तो अगर आपने ब्रांडेड या कमर्शियल कीवर्ड्स को टारगेट करना है, क्लाइंट को अपने स्टाफ को उस हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा पहले ताकि वो कन्विंस कर सके. अदरवाइज बेटर ये है कि आप नॉन ब्रांडेड कन्वर्जनल कीवर्ड्स की तरफ ही जाएं. इज दैट क्लियर? कीवर्ड के टाइप्स,
और कीवर्ड को आप ढूंढेंगे कैसे और कहां कहां पे ढूंढ सकते हैं, ये चीज क्लियर हुई आपकी? अच्छा, यहां पे सारी चीजें अब छोटे छोटे ही पार्ट्स होंगे, यानी कि गूगल कैंपेन का मामला ये है कि इस कैंपेन के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, लेकिन हर पार्ट इंतहाई क्रूशल है। मिसाल के तौर पे आपने यहां पे एक कीवर्ड भी गलत सेलेक्ट कर दिया तो पूरी कैंपेन खराब, जीरो हो जाएगी आपने बाकी जितना भी अच्छा काम किया। एक कीवर्ड आपने गलत यहां पे डाल दिया, वो कीवर्ड ही आपका सारा बजट खा जाएगा गैर बेध्यानी में अगर डाल दिया। एंड योर इंटायर, इसी वजह से गूगल एड्स में कुछ ज्यादा लोग जाते नहीं है, क्योंकि ये बहुत तवज्जो मांगता है। और ये कैंपेन जैसी होती है आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं, यार क्या चीज वर्क कर रही है क्या चीज वर्क नहीं कर रही। जब आप कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन एंड एनालिसिस फेज में जाते हैं ना, अभी तो डिजाइन फेज में है हम, स्ट्रैटेजी फेज में है हम, राइट? सो क्वेश्चन है हसन अली का, सर कीवर्ड सर्च वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम का मतलब है कि उसको एक महीने में कितना सर्च किया जाता है। ये सर्च वॉल्यूम ऑटोमेटिकली आता है, गूगल खुद आपने जो भी एंटर किया होता है कीवर्ड, गूगल बता देता है कि ये कितना महीने में सर्च किया जाता है। फर्ज करो ये जो कैबिनेट्स हैं, ये वाला कीवर्ड अकेला महीने में 14,800 दफा सर्च किया जाता है, कहां पे? जो आपने ऊपर जगह एंटर की है, जिस सिटी का, जो भी शहर मुल्क आपने ऐड किया है, उस मुल्क में ये कीवर्ड इतना सर्च किया जाता है एक महीने में। ये 100% एक्यूरेट नंबर नहीं होता, एक आइडिया होता है। इससे कुछ 10-20% ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे 10-20% कम भी हो सकते हैं, बट दिस इज फॉर ए गुड आइडिया, राइट? और हमारे पास मिलते जुलते सारे कीवर्ड्स आ गए हैं, और जब क्लाइंट अच्छा हो और मुकम्मल हम भी उसको अपना बेस्ट दे रहे हो, तो हम एक एक कीवर्ड को स्टडी करके अपनी कैंपेन का हिस्सा बनाते हैं, या जो अलग से शीट बनाई है उसमें डालते हैं। अगर क्लाइंट से आप भी जान छुड़ा रहे हैं, क्लाइंट आपसे भी आवाजार है, तो आप क्या करते हो, बस इधर लेफ्ट राइट साइड पे डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज पे क्लिक किया, जो जो आ गया अब नीचे वो सारा कुछ डाउनलोड कर लिया। सो डोंट बी दैट लेजी मार्केटर जो कि बस डाउनलोड करके भेज दे, इस पे 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, ये सारा काम ही जो इनिशियल स्ट्रैटेजी होती है ना, जिस फेज को हम जिसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, इस पे मैं अगर क्लाइंट से बात करता हूँ तो मैं 1 हफ्ते का टाइम लेता हूँ। व्हेनेवर जब भी कैंपेन लॉन्च करनी हो, आई टेक टाइम ऑफ 1 वीक, जिसमें कीवर्ड रिसर्च करनी है, उसके लैंडिंग पेजेस का एनालिसिस करना है, उसकी कन्वर्जन्स सेटअप करनी है, उसके लिए ग्राफिक्स डिजाइन करने हैं या करवाने हैं, उसके लिए कॉपी राइटिंग करनी है या करवानी है। सो आई टेक एक कैंपेन लॉन्च करने का एटलीस्ट 1 वीक। कुछ जो नए हैं, बिगिनर्स हैं, वो कहते हैं शाम तक हो जाएगी जी आपकी कैंपेन लॉन्च, तो क्लाइंट को भी आइडिया हो रहा होता है कि तुम जो 2 घंटों में करोगे ना, मुझे आइडिया है। सो दैट्स प्रीटी मच हाउ वी डू, हाउ वी सेलेक्ट कीवर्ड्स। इंशाल्लाह हम कल देखेंगे कि कीवर्ड टारगेटिंग की कौन से टाइप्स होती हैं। ये तो हमने कीवर्ड ले लिए ना, कीवर्ड की अपनी टाइप, अब कीवर्ड की आगे टारगेटिंग की कुछ टाइप्स हैं। वो 3 टाइप्स कौन सी हैं, कैसे हम उसको अपनी कैंपेन में यूज करते हैं, एंड देन वी विल बिगिन विद द नेक्स्ट स्टेप ऑफ आवर ट्रेनिंग। सही है, इसमें जो आपके क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू टूडे, नहीं इसमें केडी वगैरह हम नहीं देखेंगे, वो सारा एसईओ के कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए मैं कह रहा था वो एसईओ वालों को अभी ये गूगल एड्स में कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं करने। आपने यही टूल पहले और मकसदों के लिए, मकासद के लिए यूज किए हुए हैं, सो डोंट मिक्स दोज कॉन्सेप्ट्स हियर। ऑलराइट, आई थिंक वी हैव गॉट गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस।
किसी के अभी बीच में है तो फौरन से सेंड देम डाउन. ये जो बच्चे सवाल पूछ रहे हैं मुझे, यही फिर वो ज्यादा सीरियस लग रहे होते हैं विद ऑल द ऑनेस्टी, जो गौर से देख भी रहे हैं और उनके क्वेश्चंस भी आ रहे हैं. देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. सैंपल उठा के देख लो तो लगता है यार ये जो जितना इनको तवज्जो से ट्रेनिंग लेनी चाहिए ये उतनी तवज्जो दे नहीं रहे. अगर कोई भी सैंपल, अच्छा किसी का कैम ऑन हो गया, सो गिव्स एन एक्सप्रेशन समहाउ, इट्स जस्ट सजेशन टू एवरीवन, बी सुपर सीरियस. You might not get that on an opportunity at later stage. Okay, I think we have got good number of questions. I'm going to turn off comments for now and start answering. And beginning with pehla question, Mohammad Rashid Iqbal ka hai sir. Maine do different 1:36 minute pe inhone क्वेश्चन ड्रॉप किया था, उससे ऑनवर्ड मैं सारे क्वेश्चंस ले रहा हूँ. उससे पहले अगर किसी के थे तो वो दोबारा कमेंट करने का मैंने उनको मौका दिया था. सो मैंने दो डिफरेंट ईमेल्स पे गूगल एड्स अकाउंट बनाया लेकिन पेमेंट ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा कहीं भी. आप बिलिंग में जाओ, वहां पे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं. हाउ डू यू गेट दैट? क्लिक ऑन टूल्स, यहाँ पे यू विल सी बिलिंग वाले सेक्शन में क्लिक ऑन, होल्ड ऑन टूल्स, और ये आ गया आपके पास बड़ा सा बिलिंग वाला सेक्शन. यहां पे आप समरी में जाके वहां पे ऐड कर दो अपना बिलिंग मेथड. तलहा का क्वेश्चन है, सर मेरे पास चार्ट्स नहीं आ रहे कीवर्ड्स के, सर्च वॉल्यूम के और रेंज आ रही है सर्च वॉल्यूम की, एग्जैक्ट शो नहीं हो रहा. कोई कीवर्ड चेंज करके आप देख लें, ट्राई दैट. कैन आई शेयर माई स्क्रीन टू शो? ओके, लेट मी हैव मोर क्वेश्चंस एंड देन वी कैन कम टूवर्ड्स योर स्क्रीन शेयर. गूगल एड्स में अपनी एड को टॉप पे लाने के लिए एड बिट बढ़ाते हैं या लैंडिंग पेज की रेलेवेंसी बढ़ाते हैं? दोनों बहुत क्रूशियल हैं. आपका लैंडिंग पेज अगर रेलेवेंट है तो गूगल एड स्कोर आपका बढ़ाता है और आपको हेल्प आउट करता है. बट ज्यादा यहाँ पे ताल्लुक पैसों का ही है. आप पैसे ज्यादा रखें तो आपका एड टॉप पे आएगा, जो बिल्कुल स्ट्रेट अवे बात है. बट अगर रेलेवेंट है तो आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है, आपका कन्वर्जन आपको ज्यादा बेहतर मिल रही होती है अगर एड रेलेवेंसी स्कोर आपका अच्छा है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, so can we get search volumes for localities like springs? Yes, bilkul bilkul, aap yahan pe enter karenge you will get that. Campaign level in Google Ads, campaign level pe nahi, aapko wo sari cheeze let me read your question. Can we target US zip codes? Absolutely you can do that. Jahan pe aap country select karte hain, city select karte hain, wahan pe aap zip codes dal de, क्योंकि ये सारे कैंपेन लेवल पे ही करना होता है तो आप कैंपेन लेवल पे ही सेलेक्ट करेंगे. फॉर लोकल एड, होल्ड ऑन प्लीज. फॉर लोकल एड्स, यस एब्सोल्युटली यू कैन डू दैट सर. एसईएम एचरेफ्स में हम सिटी के नहीं देख सकते, नहीं वहां पे नहीं आता. SEM rush में बिल्कुल भी नहीं आता, उससे वहां पे कंट्री वाइज चलना पड़ता. दैट्स द रीजन गूगल कीवर्ड प्लानर यहां पे जीत जाता है इस लोकल सर्च वॉल्यूम्स में. सो अगर स्टार्ट में जस्ट कीवर्ड प्लानर यूज कर लें, अगर पेड टूल ना ही, फिर भी ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. यू कैन रिलाय कंप्लीटली ऑन दिस टूल गूगल कीवर्ड प्लानर. आपको SEM rush की तरफ जाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन द पॉइंट इज there is a tool, there is a third party tool as well, we cannot ignore, and large number of people are using that as well. So is wajah se hum usko use karte hain.
देन वी हैव अब्दुल रहमान का क्वेश्चन, सर एड अकाउंट तो बन गया है लेकिन पेमेंट अभी मैंने बता दिया है, वेरिफिकेशन स्टेप्स भी फॉलो कर लिए, ठीक है जो मैंने अभी बताया आप उसको फॉलो करें, उसमें जाके हम कीवर्ड सेलेक्ट कैसे करेंगे, इन केस 104 हैं सबको सेलेक्ट नहीं करेंगे, नहीं आप सबको नहीं करेंगे, आप कन्वर्जनल जो कीवर्ड्स हैं उनको चूज करेंगे जिससे आपको लगे, अब इस पे कोई रूल नहीं है राइट, इस पे कोई बेंचमार्क नहीं है, इसीलिए एक एक कीवर्ड देखभाल के आपने ऐड करना है, अंधाधुंध नहीं ऐड कर रहे हैं, जो आपको लगे कि ये कीवर्ड से क्लाइंट का मकसद पूरा हो रहा है, क्लाइंट ने कहा था चीजें सेल होनी चाहिए और आपको लगता है ये जो कीवर्ड है इससे सेल्स मिलेंगे, क्लाइंट ने कहा था साइनअप्स मिलने चाहिए, आपको लगता है कि इस कीवर्ड से साइनअप्स मिलेंगे राइट, तो ये चीज आंखें खोल के करनी है और आपने मैनुअली करनी है। टूल्स आपको बस कीवर्ड एक टॉपिक पे बता देंगे और बता देंगे ये वर्ड इतने इतना सर्च हो रहा है, बाकी सब टू यू, उसमें से पिक एंड चूज आपने करना है। आपने सीवी कीवर्ड के साथ जो यूआरएल एंटर किया है, यूआरएल हम कंपेटिटर की वेबसाइट गई, एब्सोल्युटली यस, उसके यहाँ पे आप अपने कंपेटिटर का नहीं, यहाँ पे आप अपने क्लाइंट का कीवर्ड ऐड करेंगे, क्लाइंट का यूआरएल ऐड करेंगे, बट फॉर रिसर्च पर्पस आप कंपेटिटर का भी डाल के देख सकते हैं अगर वो ऐड रन कर रहा है, या लेट से नहीं भी ऐड रन कर रहा, जस्ट टू गेट एन आइडिया के जो उसने मेंशन किया है कंटेंट अपने वेब पेज पे उसको कितना सर्च किया जाता है, सो इट वुड बी अ गुड स्ट्रैटेजी। एडल्ट आइडियाज वाला पॉइंट रिपीट कर दें प्लीज, उस पॉइंट पे इंटरनेट का इशू आ गया था, अच्छा हुआ आपका इंटरनेट का इशू आ गया क्योंकि वो कुछ ऐसा पॉइंट था ही नहीं। एडल्ट आइडियाज का मतलब है कि उसमें कुछ नॉट सेफ फॉर वर्क सर्च क्वेरीज भी होती है ना, अगर आप वो भी इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करते। गिव मी अ सेकंड प्लीज। राइट, सो एडल्ट आइडियाज को जनरल रूल हमारा यही है, हम उसको इंक्लूड नहीं करते। मोहम्मद फैसल सर कीवर्ड डिफिकल्टी, नहीं हम इसमें नहीं देखते वो कीवर्ड डिफिकल्टी वगैरह। मिक्स कितना वॉल्यूम वाला कीवर्ड चूज करें, मिक्स कितने वॉल्यूम वाला, इस पे आपको चाहिए कि मिनिमम 10 सर्चेस पर मंथ जिसकी हो रही हैं उसको आप इंक्लूड करें, इससे जो नीचे हैं उसको इंक्लूड ना करें, हालांकि जो इससे कम वाले होंगे उस पे भी कुछ ना कुछ सर्च हो रहे होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये जो सर्च वॉल्यूम होते हैं ये 100% एक्यूरेट नहीं होते, इनमें अच्छा खासा रियलिटी में डिफरेंस होता है, बट आपका जनरल रूल ये होना चाहिए कि जिसकी सर्चेस 10 हैं या इससे ज्यादा हैं उसको ही आप इंक्लूड करें। सर मैंने 2 डिफरेंट ईमेल्स पे गूगल एड्स अकाउंट बनाया लेकिन अच्छे मैंने इसका आंसर कर दिया। सर आपने बजट आमना, आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, बजट कैसे बताया, सो प्लीज ट्राई टू रिफ्रेज इट। सर हाउ टू सर्च कमर्शियल एंड ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स विदाउट SEM रश, देयर इज नो वे, आपको दिमाग ही यूज करना पड़ता है राइट, नहीं जाना चाहते आप SEM रश की तरफ, नो प्रॉब्लम, बट अदर देन दैट यू विल हैव टू वर्क ऑन दैट। मैं आई मीन इवन आफ्टर एक्सपीरियंस, अगर मैं क्लाइंट से हफ्ता मांग रहा हूँ उसकी कैंपेन लॉन्च करने का, तो एक वजह है ना, वजह क्या है कि ये सारा काम मैनुअल करना पड़ता है, मार्केटिंग का कोई बटन नहीं है क्या वहां पे करें सारे बने बनाए कीवर्ड्स, बने बनाए एड्स, और मतलब ये मार्केटिंग है, ये डेटा एंट्री तो नहीं है ना, सारा कुछ आ जाए और कुछ दिमाग ही ना यूज करना पड़े, डेटा एंट्री की तरफ लोग इसीलिए ज्यादा जाते हैं कि दिमाग यूज करना ही नहीं है, कुछ स्किल भी ऐसा नहीं चाहिए, तो ये स्किल इन डिमांड भी इसी वजह से है और ये हाई पेइंग स्किल भी इसी वजह से है क्योंकि दिमाग यूज करना पड़ता है, जस्ट टूल्स आर नॉट इनफ, टूल्स आर जस्ट हेल्पिंग हैंड्स, दिमाग आपको अपने यहाँ पे लगाना पड़ता है, और जो ट्रांजेक्शनल और कमर्शियल वो एक एक करके आपको वेरीफाई करने पड़ते हैं, मुझे किस पे सेल्स मिल सकती हैं, किस पे मुझे लीड्स मिल सकती हैं, और कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जिसकी वजह से लोग बस आएंगे, आपका कोई आर्टिकल पढ़ लेंगे, दैट्स इट, वो आपका प्रोडक्ट शायद परचेज ना करें, सो दिस इज समथिंग दैट यू वुड नीड टू
manually do it. Zishan ka question is, sir, on the basis of keyword, how we can decide the budget is good to run campaign on these type of keywords? जैसे कि मैंने दिखाया आपको सर्च वॉल्यूम कितना है, उससे मैच करें सीपीसी. सीपीसी फर्ज कर लो 1 है, सर्च वॉल्यूम 1000 है, तो सिर्फ उस कीवर्ड पे अगर आपका $1000 बजट होता तो फिर आप बेहतरीन किस्म की कैंपेन बना सकते थे, यानी कि आपने पूरी मार्केट को टैप कर लेना था. बट क्लाइंट का बजट कम होगा, तो कम होने से भी नुकसान ऐसा हमें कोई नहीं है, हम तो कम बजट पे भी चला देंगे. इससे क्या होता है कि $500 था, $500 तक आपके ऐड चले, लोग तो फिर भी सर्च करेंगे ना. वैसा तो नहीं कि आपके $500 खत्म हो गए तो लोगों ने वो कीवर्ड सर्च करना ही छोड़ देना उस महीने, तो फिर भी सर्च करते रहेंगे. अब क्या होगा, दूसरे कंपेटिटर के ऐड आना शुरू हो जाएंगे. गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजी जो कि आप क्लाइंट से एक पॉइंट पे शेयर करते हैं कि हम आपके ऐड चला रहे हैं. और शुरू में नहीं कहते नहीं नहीं बजट आपका तो बहुत कम है. क्लाइंट का बजट शुरू में जो बता रहा है उसी पे ही हम लेके चलते हैं. लेकिन जब आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड मीटिंग होती है तब आप क्लाइंट को बताते हैं कि आपका बजट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू हैव गिवन देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, कि आप ज्यादा ट्रैफिक ला सकते हो, ज्यादा कन्वर्जन्स ला सकते हो. और मेरे ख्याल में 1000 लोग सर्च कर रहे हैं, आपका बजट अगर आप इसको डबल कर दें तो आप पूरे एड इंप्रेशंस को बाय कर सकते हैं. गेटिंग द पॉइंट? अब्दुल रहमान का क्वेश्चन है, सर एड अकाउंट तो बन गया है लेकिन जब पेमेंट मेथड, अच्छा मेरे हमें फिर उन्होंने रीशेयर कर दिया है. क्या गूगल एग्जैक्ट कीवर्ड को टारगेट करता है हमें? इसी की मैं बात कर रहा था हमारा जो मैंने कल पे इसको थोड़ा सा स्विच किया है. एग्जैक्ट कीवर्ड, फ्रेज कीवर्ड, ब्रॉड मैच जो है, ब्रॉड मॉडिफायर्स वगैरह जो है, इन पे लोग, क्या हमारा एड हमेशा तभी चलेगा जब वो ये एग्जैक्ट वर्ड सर्च कर रहे होंगे, या इसके वेरिएशंस पे भी हमारे एड चलेंगे? जैसे किचन कैबिनेट है, क्या हमारा एड जस्ट किचन कैबिनेट को सर्च कर रहा होगा तभी चलेगा, या इस कीवर्ड के डिफरेंट वेरिएशंस पे, डिफरेंट फ्रेजेस पे भी हमारा एड चलेगा? दैट्स व्हाट आई विल बी टॉकिंग एंड लर्निंग टुमारो, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो टारगेट कीवर्ड्स फाइनल करेंगे सर, कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में कितना यूज कर सकते हैं? एसईओ के कॉन्सेप्ट इसको यहाँ पे मत लेके आए प्लीज, राइट? गेटिंग द पॉइंट, एसईओ को बिल्कुल अलग रखें. बट मरियम का क्वेश्चन है, सर कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में कितना यूज कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन आपके पास है ही 90 कैरेक्टर्स की, कितना यूज कर लेंगे एक बार? दैट्स इट. शफिया भट्ट का क्वेश्चन है, सर मैक्सिमम एंड मिनिमम वॉल्यूम क्या होना चाहिए? मैक्सिमम कुड बी एनी, मिनिमम 10 होना चाहिए. हाउ टू प्रैक्टिस दिस बिकॉज वी डोंट हैव क्लाइंट नाउ, शुड वी इन्वेस्ट आवर ओन वेबसाइट? यू कुड डू दैट, राइट? प्रैक्टिस करने के लिए आप लेट्स से थिंक ऑफ ईरोजगार, ईरोजगार की वेबसाइट ले लें, उसके उस पर कीवर्ड्स निकाल लें. आप थिंक ऑफ किसी डेंटिस्ट की वेबसाइट का जहन में रख लें, उसके लिए कीवर्ड्स निकालें. थिंक ऑफ जो बिल्कुल स्पेसिफिक बिजनेस है, पूरी इंडस्ट्री को नहीं पकड़ना, स्पेसिफिक बिजनेसेस, डेंटिस्ट को देख लें, या थिंक ऑफ किचन कैबिनेट्स को ही देख लें, थिंक ऑफ योगा क्लासेस को देख लें, कोई कंट्री चेंज कर लें, थिंक ऑफ डांस क्लासेस को देख लें, थिंक ऑफ कोई रिलीजियस टेंडेंसी आप में है, आप उस तरीके की कोई रिलीजियस चीज को देख लें, अजवा खजूर देख लें, आप कोई भी जाय नमाज वगैरह के लिए देखें, फ्रेग्रेंसेस देख लें, अतर देख लें, आप डिपेंड करता है, आई मीन इट्स टोटली अप टू यू, आप किस तरह के वो करना चाहते हैं. एंड गेट सम 10 कीवर्ड्स,
right? And I will share a post in our group whether I should करना क्या है आपने बिजनेस आगे आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल जी बिजनेस है डेंटिस्ट कीवर्ड्स कीवर्ड्स आप फर्ज कर लें यहां पे जाते हैं यहां पे लिख लें पहला कीवर्ड है डेंटिस्ट नियर मी आगे वॉल्यूम फर्ज कर लें इसका आ जाता है 5000 और इसका सीपीसी है 1.5 ये फॉर्मेट आपका होना चाहिए एंड 10 कीवर्ड्स लेट से आते हैं इसको कॉपी करें डज दैट वर्क होल्ड ऑन should work it used to no so what you should be doing jo aapne keywords nikale ho 10 uske aapne share kar dena hai make sure kar le usko aap share pe click kare get link pe jaake change pe click kare anyone with the link wale ko select kare viewer option rakhe copy kar de aur yahan pe aapne कमेंट में इसके कमेंट में ये यूआरएल पेस्ट कर देना है एक दूसरे के आप कंप्लीटली देख सकें एक दूसरे की से इंस्पायर हो सके एक दूसरे पे कमेंट कर सकें इफ दे आर डूइंग गुड जॉब और दे नीड गाइडेंस आई वुड बी चेकिंग दीज थिंग्स एज वेल सो बिजनेस आपने डिफाइन करना है और कीवर्ड्स आपने डिफाइन करने हैं कमेंट में आपने कैसे कमेंट करना है मैं उसका भी आपको सैंपल दिखाता हूं वन सेकेंड राइट फॉर एग्जांपल ये आ गया मेरा आप कमेंट क्या करेंगे कमेंट आपका होना चाहिए बिजनेस जो भी आपका है फर्ज कर लो किचन कैबिनेट्स एंड कीवर्ड्स आगे वो यूआरएल जो आपने कॉपी किया होगा वो पेस्ट कर देना है दैट क्लियर मिनिमम इसमें 10 कीवर्ड्स होने चाहिए मिनिमम और सारे कन्वर्जनल कीवर्ड्स होने चाहिए क्या होने चाहिए जिससे कन्वर्जन्स आ सकती हो 10 कीवर्ड्स मिनिमम बिजनेस इट्स अप टू यू इंडस्ट्री पूरी पूरी नहीं पकड़ लेनी बिजनेस होना चाहिए जिसका पता चले यार ये कोई दुकान है ये कोई स्टोर है ये कोई चीज है जिसका कोई मतलब क्लियरली आइडेंटिफाई हम कर सकें राइट सो ये आपने करना है टुडे बाय इवनिंग उसके बाद आई विल टर्न ऑफ कमेंट्स सो जितने आए होंगे आई विल बी सेइंग दोस थिंग्स टुगेदर 10 कीवर्ड क्लियर है समझ आ गई समझ आ गया टास्क का टाइप आई थिंक कमेंट्स आर ऑफ नाउ यू कैन कमेंट समझ आ गया आपको टास्क का टाइप परफेक्ट 10 होने चाहिए और सारे कन्वर्जन के रिलेटेड होने चाहिए आज करना है आपने कमेंट ऑफ हो गए सो प्लीज डोंट आज का मैं बता रहा हूं ना सीपीसी इज टोटली अप टू यू सीपीसी आपने खुद निकालना है जितना आ रहा हो क्योंकि सीपीसी कैसी चीज है आप कंट्रोल तो कर नहीं सकते अगर मैं आपको बोल दूंगा कि